हे दयामयी मां, हे कृपामयी मां, 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 तुझे प्रणाम मां, तुझे तुझे प्रणाम रे बा, तुझे प्रणाम। हे दयामयी मां, हे कृपामयी मां, हे दयामयी मां, हे कृपामयी मां। नमस्कार, जय सद्गुरुदेव, जय दादाजी महाराज। अलक्ष लक्ष किन्नरा मरा सुरादि पूजितम, सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष कूजितम, वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये नर्मदा क्षेत्र युगों युगों से इन महान ऋषियों, तपस्वियों और ध्यानियों के ध्यान से सदा ध्यानस्थ रहा है। यहाँ की पहचान, यहाँ का गौरव, यहाँ का मान, यहाँ की अतुलनीय प्राकृतिक संपदा माँ नर्मदा और ये महान ऋषि मनीषी ही तो हैं। ऐसे अद्भुत स्थान अमरकंटक में आज हम जा रहे थे एक महान तपस्वी, महासिद्ध योगी श्री श्री कपिल मुनि जी के आश्रम और उनके तपस्या स्थल कपिल धारा की ओर। यह मनोरम स्थान नर्मदा मंदिर से पश्चिम की ओर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्थान से श्री नर्मदा जी का प्रथम जलप्रपात बड़े प्रचंड वेग से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। यहां तक पहुंचने में आपको प्रकृति के सुंदर मनमोहक नजारे कुछ पलों के लिए बिल्कुल ध्यानस्थ कर देते हैं। चारों ओर मैकल पर्वत और उस पर इन ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों का श्रृंगार, ये सब महान नर्मदा क्षेत्र में ही तो मिल सकता है। कुछ दूरी की अपलक यात्रा करने के बाद अब हम कपिलधारा तक पहुंच गए थे। यहां दोनों तरफ काफी दुकानें और अनेक विस्तार हो गया था। कई सामान बेचने वाले ग्रामीण सड़क के दोनों ओर ये जड़ी बूटियां लेकर बैठे थे। यहां अमरकंटक में ही आपको दुर्लभ औषधियां और जड़ी बूटियां मिल सकती है। यहां का पूरा रास्ता लाल मिट्टी से भरा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जिस स्थान पर मिट्टी का रंग लाल रहता है वहां ऊर्जा अधिक मात्रा में संचित रहती है। इसलिए भी सभी महान ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली ये नर्मदा क्षेत्र होने का एक कारण यह भी रह सकता है। आगे बढ़ने पर एक और ऐसा स्थान बन रखा था जहां से इस कपिलधारा जलप्रपात को गिरते हुए आसानी से देखा जा सकता था।
कितना सुंदर था ये नजारा। मां नर्मदा का ये कल कल बहता हुआ जल, इसे देखकर हर कोई शांति से कुछ पल यही ठहरने पर मजबूर हो जाए। सामने दूर तक फैला हुआ मैकल पर्वत ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आज शिव के मस्तक से साक्षात गंगा मां की जगह नर्मदा मैया निकल रही हो। यही वो स्थान है जिसका वर्णन प्रसिद्ध संत श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल शास्त्री जी ने भी अपने शब्दों में किया है। भीषण घने जंगलों के बीच से होते हुए नर्मदा का भीम गर्जन सुनाई दे रहा है। हम एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे हैं। पूरे जंगल में एक सलई एक साजा वृक्षों की पंक्ति सज रखी है और भयंकर भीषण जंगल पार करते हुए कपिल धारा में ये मां नर्मदा का जल इस प्रकार गिर रहा है कि विंध्य पर्वत सामने खड़ा खड़ा भीषण अट्टहास कर रहा हो। हालांकि तब के और आज के समय में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, पर मां नर्मदा की कृपा अब भी उसी वेग से अपने भक्तों पर वैसे ही प्रवाहित हो रही है। यहां से आगे एक पैदल पुल को पार करने पर दूसरी ओर जाने पर भी कई आश्रम बने हुए थे। वहां आगे बढ़ने पर मध्य में आने पर कपिल मुनि के चरणों की वह परम पूजनीय छाप अब तक न जाने कितने युगों से अनवरत पूजित हो रही थी। हमने उन्हें बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। कपिल मुनि, जिन्हें भगवान विष्णु का पंचम अवतार भी माना गया है, इनकी माता देवहूति और पिता महान ऋषि कदर्म थे। माता देवहूति ने ब्रह्मा जी से विष्णु के समान पुत्र की इच्छा प्राप्त की थी, इसीलिए ही उनके गर्भ से कपिल मुनि जैसे तेजस्वी ऋषि का जन्म हुआ। कपिल मुनि ने भारत में सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी माता को सर्वप्रथम सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया। निराकार ईश्वर और उनकी अनंत सत्ता को कपिल मुनि ने ही उजागर किया था। कपिल मुनि के नाम पर अनेक ग्रंथ हुए, जिसमें सांख्य सूत्र, तत्व समास, व्यास प्रभाकर, कपिल गीता, कपिल पंचराम, कपिल स्तोभ और कपिल स्मृति आदि हैं। ये तपस्वियों की भूमि है। यहाँ पग पग पर तपस्वी साधनारत दिख जाते हैं। हमें यहाँ भी एक संत मां नर्मदा की पूजा अर्चना में बड़ी तल्लीनता से खोए हुए थे। उन्होंने भी हमें यहाँ के बारे में अनेकों बातें बताई। पुराणों की माने तो इसी स्थान पर कपिल मुनि ने मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवी, आप कृपा करके यहीं पर रुक जाइए। तब मां नर्मदा ने ये कहा कि हे दिव्य ज्ञानी, आपके अनुरोध से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, परंतु मैं यहां नहीं रुक सकती, परंतु आपको इतना आशीर्वाद जरूर दूंगी कि आपका नाम भी मेरे साथ साथ यहाँ अमर हो जाए। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर
कपिल मुनि जी को आत्म साक्षात्कार हुआ था और सांख्य दर्शन शास्त्र की रचना भी उन्होंने इसी स्थान पर की थी। ऐसे महान तपस्वी सांख्य शास्त्र के रचनाकार ओजस्वी ऋषि कपिल मुनि को कोटि कोटि प्रणाम। आदि अनादि है तू, आदि अनादि है रे तू, तू ही है आदि जगत गुरु, तू ही है आदि जगत गुरु। हे शिव शंभु, हे कृपा सिंधु, प्रणामी प्रणामी तो हे कल्प तरु। नाद रूपी है तू, नाद रूपी है तू स्वरूप ओंकार, तू ही साकार शिव, तू ही जगत पालनहार, तू ही है रे शिव जगत पालनहार। पूजा करूं तो हे आरती करूं, पूजा करूं तो हे आरती करूं, प्रणमी प्रणमी शिव कल्प तरु, प्रणमी प्रणमी शिव कल्प तरु। हे शिव शंभु, हे कृपा सिंधु, प्रणामी प्रणामी तो हे कल्प तरु, प्रणामी प्रणामी तो हे कल्प तरु, प्रणामी प्रणामी तो हे कल्प तरु, प्रणामी प्रणामी तो हे कल्प तरु। हे शिव शंभु, 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 शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, शिव शंभु, हे शिव शंभु, सद्गुरुदेव दादाजी महाराज द्वारा लिखी गई आध्यात्मिक पुस्तकें त्रिगुणातीत। पढ़िए दादाजी द्वारा रचित विश्व की सबसे तेज लिखी हुई आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान तत्व गान। जानिए दादाजी महाराज द्वारा उपलब्ध परम सत्य ज्ञान एवं उनकी दिव्य गुरुवाणियों को। आध्यात्मिक दर्शन, एक साधक अपने साधना जीवन काल में कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नतियों को स्वयं देखता है, जानिए इस महत्वपूर्ण पुस्तक के द्वारा। लौकिक दिव्य अलौकिक, दादाजी के जीवन एवं विभिन्न तीर्थ स्थलों पर घटित दैविक एवं दिव्य घटनाओं का संग्रह। संपूर्ण किताबें फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर बांग्ला एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए देखिए www.dadajimaharaj.com। এই অনুষ্ঠানটির কণ্ঠ সহযোগিতায় ছিলেন চঞ্চলিকা দাস ও সঞ্চারী চক্রবর্তী এবং কিষণ কুমার ভোরা। সামগ্রিক অনুষ্ঠানটির পরিচালনায় মধুর আচার্য ও কারিগরি নির্দেশনায় নীলোৎপল দাস। যোগাযোগ 11/1 রূপনারায়ণ নন্দন লেন, কলকাতা 25, ফোন 2454-1184।